आज हम जरूर बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से मशीन खरीदना होगा, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इसका ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ये प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे तो ये सब पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बताएंगे। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों इस तरह आज ट्रांसपोर्टेशन में कार्टेज बॉक्स ये कंपलसरी एक चीज हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि कार्टेज बॉक्स बनाने के लिए कौन से मशीन्स की आवश्यकता होती है, इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं और इसमें कितना कॉस्टिंग लगता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर बात करें इसमें एरिया की, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको काफी बड़े एरिया की जरूरत होगी। लगभग लगभग आपको 5,000 स्क्वायर फीट के एरिया की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको वहां पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इसमें जो मशीन्स है वो हेवी मशीन्स होती है, उसके लिए डबल फेज मशीन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप इसे इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आपके पास जगह है तो वहां पे आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके मशीन्स की, तो इसमें आपको यहाँ पर 6 से 7 मशीन्स लगती है। पहली मशीन जो लगती है वो लगती है सिंगल फेज पेपर कार्टेज मशीन। उसके बाद आपको लगेगी बोर्ड कटर मशीन। उसके बाद आपको लगेगी शीट पेस्टिंग मशीन। उसके बाद शीट प्रेसिंग मशीन। उसके बाद है बार रोटरी एंड क्रेसिंग मशीन। उसके बाद है स्लॉटेड मशीन। उसके बाद आपको लगेगी स्टिचिंग मशीन। दोस्तों अगर बात की जाए इसके रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको लगेगा क्राफ्ट पेपर, इसके अलावा आपको लगेगा येलो स्ट्रॉ बोर्ड, उसके बाद आपको लगेगा ग्लू और उसके बाद आपको लगेगा स्टिचेस वायर्स। तो दोस्तों इस प्रकार के जो रॉ मटेरियल है ये आपको IndiaMart.com पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कॉस्टिंग और प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल है और मशीन्स है इन सबका जो कॉस्टिंग है ऑल ओवर लग जाएगा 30 लाख के आसपास। दोस्तों इसके अलावा आपको बिजनेस को रन करने के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड लगता है, तो वो भी एक कॉस्टिंग। अगर आप एक 10 लाख तक मिला ले तो यहाँ पर आपका ये जो बिजनेस है ये 40 लाख तक के आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें मैन पावर की, तो आपको यहाँ पर 5 से 6 स्किल वर्कर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स की संख्या भी ज्यादा है और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो समझने वाले, जो मशीन्स चला पाए ऐसे वर्कर आपको रखने होंगे।
इसके अलावा आपको इसके जो मार्केटिंग है इसके हिसाब से भी कुछ सेल्समैन रखने होंगे जो B2B बिजनेस में जाकर के विजिट करें। तो यहाँ पर जो आपके जो टारगेट कस्टमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ B2B वाले लोग होते हैं, जैसे बड़े जो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां से लेकर तो जो छोटे से छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं वो तक के लोग आपके यहाँ पर कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा B2B वाले लोगों के पास ही यहाँ पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये थी एक बेसिक जानकारी इस बिजनेस के बारे में। हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।